नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, डीजीपी रेलवे, डीजीपी होमगार्ड सिविल डिफेंस, डीजीपी पुलिस रिफॉर्म, आज आपसे मुखातिब है। मैं नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत का नोडल ऑफिसर हूं और क्राइम फ्री भारत मिशन एनजीओ का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को माननीय नरेंद्र मोदी जी से पिछले 6 महीने से प्रार्थना की गई थी कि हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिसमें भारत सरकार पर संसाधनों का बोझ नहीं आएगा और हम अपने देशवासियों को अपराध मुक्त भारत दे पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एज ए फंडामेंटल राइट दे पाएंगे, जहां पर भारत सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी, जिसके तहत थाना में बिना जाए अपराध का पंजीयन होगा। हालांकि झूठी और गलत या बड़ा चढ़ाकर एफआईआर दर्ज कराने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन के माध्यम से ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज की पुलिस की सोच चिंतन व क्षमता के बाहर है। क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के कारण बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। क्राइम फ्री भारत मिशन के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अब कोर्ट कचहरी में एड़ियां नहीं रगड़ना होंगी। वर्तमान समय में हमें 30-30 साल अपमान सहते हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। नई व्यवस्था के तहत हम बड़ी आसानी से अपराध मुक्त भारत ला सकेंगे, जिसके तहत बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय दे सकेंगे। 4th सर्टेनिटी के तहत क्राइम फ्री भारत के द्वारा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है, जिसमें आम देशवासियों को एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, साथ ही सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी का भी कानून बनाया जाएगा। इस सर्टेनिटी, इस डिजिटल चित्रगुप्त के तहत हमें बड़ी आसानी से सभी अपराधियों की 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। लिहाजा जब अपराधी अपने घर से निकलेगा अपराध करने के पहले, 2029 तक हम अपराधी को 99% एक्यूरेसी के साथ गिरफ्तार कर सकेंगे और उसे अपराध करने से रोक सकेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे अनूठे सिस्टम को, यह दुख और शर्म की बात है कि वो तवज्जो नहीं दी गई जो देना चाहिए। 5th सर्टेनिटी के तहत जब हमें और हमारे चित्रगुप्त को सभी जानकारियां हैं, तो अपराधी को अपना पेट पालने के लिए, अपराध घटित करने के लिए क्यों छोड़ा जाए। लिहाजा सभी अपराधियों को सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार सभी के ऊपर धन की वर्षा की जाएगी और जितना भी धन बांटा जाएगा उसका दुगना अपराधी से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार अपराधी को
अपराध करने में एक डिसइंसेंटिव पैदा होगा, एक झिझक पैदा होगी, एक आर्थिक संकट पैदा होगा। लिहाजा अपराधी अपराध करने को लिहाजा अपराधी अपराध करने से बचेगा। यदि धोखे से उससे अपराध हो जाएगा तो वो स्वयं थाने जाकर कबूल कर लेगा, बता देगा, क्योंकि उसके पास फरियादी अपराध फरियादी गवाह है और इन सबों के ऊपर जो धन की वर्षा होने वाली है उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि वो अपना जुर्म कॉन्फेस करे। इसमें डिजिटल कॉम्पिटेंस का उपयोग करते हुए जो हम आज टेक्नोलॉजी के जिस पड़ाव पर और मुकाम पर पहुंच गए हैं उसके माध्यम से हम अपने सभी साथियों को, अपने शरीर सभी गरीब साथियों को फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। इस फंडामेंटल राइट के तहत सभी कर्मी जिनके पास यदि शिक्षा और हुनर भी नहीं है उन्हें प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा और उन्हें टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स पर अभ्यास कराया जाएगा। यदि आवश्यकता है तो उन्हें कपड़े दिए जाएंगे, आवागमन का साधन दिया जाएगा और बैकएंड टेक्नोलॉजी उनको बताएगी कि नेशनल एसेट बिल्डिंग के किस अभियान में उन्हें पहुंचकर अपने योगदान देना है, अपने श्रम का उपयोग करना है, अपने स्किल सेट का उपयोग करना है। जितना नेशनल एसेट बिल्डिंग होगी उसके बराबर भारत विकास निधि का ऑटो निर्माण होगा, स्वतः निर्माण होगा। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपी के बराबर होगी। लिहाजा बहुत सारे लोग जो क्राइम फ्री भारत के इस लूप में नहीं है उनके पास भारत विकास निधि नहीं होगी। लिहाजा उनके लिए एक्सचेंज से 2% की फीस पर वह भारत विकास निधि खरीद सकेंगे और उस भारत विकास निधि के माध्यम से 1.1 रुपी का लाभ ले सकेंगे। लिहाजा बहुत सारे लोग 8% का लाभ कमाने के लिए भारत विकास निधि को खरीदेंगे क्योंकि यह लाभ का सौदा होगा। इस प्रकार बिना भारत सरकार पर आर्थिक खर्च आए हम बड़ी आसानी से फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे और इसमें एम्प्लॉयमेंट नौकरी नहीं होगा। इसमें हमारे लोग टीम के रूप में जाएंगे और वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाएंगे और बैकएंड टेक्नोलॉजी बताएगी कि उन्हें कहाँ जाना है। इस प्रकार राइट टू फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट विल बिकम द फंडामेंटल राइट टू बिकम सर्विस प्रोवाइडर। यह आम व्यक्ति की क्वालिटी जिंदगी में एक क्वालिटी चेंज लाएगा। मैं अपने सभी बेरोजगार साथियों से या जिनके पास रोजगार भी है लेकिन वह धन कमा नहीं पा रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा अद्भुत भारत पाने के लिए वह शायद 7 मई को जाकर गुब्बारे पर बटन दबाएं और आप हमारी यह आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचने में मदद करें। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार को धन की कमी नहीं होगी। 10% 10 गुना राशि क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से पहुंचेगी और इसी प्रकार 10 गुना राशि पेपर करेंसी फ्री भारत के माध्यम से पहुंचेगी। जैसे ही पेपर करेंसी खत्म होगी ना कोई भ्रष्टाचार करना संभव होगा, ना कोई हवाला होगा, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियार माफिया होंगे। यह सभी संकट पेपर करेंसी के कारण हैं जो स्वतः लुप्त हो जाएंगे। पेपर करेंसी खत्म होने के साथ ही 2% की ट्रांजैक्शन फीस का प्रावधान किया जाएगा। इससे लगभग 10 गुना धनराशि भारत सरकार के पास पहुंचेगी। जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा राशि होगी तो अपने देशवासियों से
टैक्स क्यों लेना है। लिहाजा मैंने भारत सरकार से पिछले 6 महीने लगातार पुरजोर प्रार्थना की थी कि वह 2025 में सभी तरीके के टैक्स को 50%, 26 में 25%, 27 में 10%, 28 में 5% और सन 2029 में सभी तरीके से भारत देश टैक्स मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देशवासियों को टैक्स मुक्त भारत दे पाएंगे। मैं अपने देशवासियों से, मैं अपने सभी साथियों से, जो व्यक्ति टैक्स से दुखी हैं, जो टैक्स वसूली के तरीके से दुखी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 7 मई को गुब्बारे पर अपना बहुमूल्य जो है ना बटन दबाकर और यह संदेश जन जन तक पहुंचाकर मुझे अनुग्रहित करें। इसके साथ ही हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट। लिहाजा जब आपके पास पैसा नहीं होगा और आप कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल करेंगे या कोई चेक काटेंगे तो आज जो है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको जेल भेजा जाता है, परंतु क्राइम फ्री भारत की नई व्यवस्था के तहत आपके डेबिट अकाउंट से आवश्यक धनराशि स्वतः स्वाप कर ली जाएगी और आपका भुगतान हो जाएगा। जब आपके अकाउंट में, अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो ऑटो पेमेंट के आसान किस्तों में ऑटो पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार हम अपने देश को कर्ज मुक्त कर सकेंगे। मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप कर्ज मुक्त भारत चाहते हैं, यदि आप कर्ज से बचना चाहते हैं, आपको कर्ज लेने की स्थिति निर्मित ना हो, साथ ही धन की कमी भी ना हो, तो आप चुनाव चिन्ह गुब्बारा जो कि सरल क्रमांक 20 पर है, मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर DGP मध्य प्रदेश व प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन को पुरजोर समर्थन दें, बटन दबाएं और यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मैं आपका हृदय से आभारी हूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः प्रार्थना है कि यह संदेश जन जन तक पहुंचे, लिहाजा इसे अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारा नंबर 9425606040 उसे ग्रुप में जोड़ दें और यदि संभव हो तो उसे एडमिन बनाएं और यह संदेश जन जन तक पहुंच जाए और हम महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने के लिए यह आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचा सकें। इसके लिए एक बार पुनः पुरजोर प्रार्थना है कि सरल क्रमांक 20 पर स्थित गुब्बारा बट चुनाव चिन्ह पर अपना बहुमूल्य जो है समर्थन देते हुए बटन दबाएं और यह